अगर आप ये मान लें एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए मान लें कि लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवादी है, अगर आप ये मान लें एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए मान लें कि इस्लाम आतंकवादी है, तो भारत में मुसलमान कम नहीं है जो इस्लाम को मानते हैं, और पूरा विश्व समाप्त होने में बस एक दिन लगना है। अगर हम ये सोच लें कि हम आतंकवादी हैं, हम धार्मिक हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं, और आज नहीं चराचर इस सृष्टि की रचना से लेकर आज तक जो भी शासक रहा है उसने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने राज को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उससे अत्याचार भी हुआ है, कहीं ना कहीं उससे पाप भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसने गलत भी किया है, इसका तात्पर्य नहीं कि औरंगजेब का नाम उस सड़क से हटा करके कुछ और कर दिया जाए। वो उसका शासन था, उस समय के वो राजा थे, उस राजकाज में भी उनकी एक सहभागिता रही है। अगर वो चाहते तो क्या कोई हिंदू बच सकता है, बचा रहता? मुझे तो नहीं लगता है कि ये शंकराचार्य ओंकारानंद इस तरह खड़ा होता।